कुमार, बाजेवाला में किस तरह लवली जी चक्की पीसिंग हो गई हैं जेल में, ये तो हमने आपको बता दिया। सिकंदर को बेचना पड़ा अपना स्टूडियो, ये भी हमने बता दिया। अब किस तरह सिकंदर घर से बेघर होकर अपनी बेटियों के साथ चाल में रहने जा रहे हैं, ये नज़ारा भी देख ही लीजिए। सिकंदर और उसके परिवार वालों के सर के ऊपर से आज छत भी गायब हो गई है। अब ये सब इस सिकंदर के साथ अचानक से हो रहा है। इन जनाब ने सिकंदर से कुछ इस कदर बदला लिया कि सिकंदर से इस सारी प्रॉपर्टी ही छीन ली है। पहले स्टूडियो छीना, उसके बाद इस सिकंदर के गानों के राइट्स, और अब लीजिए इस सिकंदर का ये आलीशान घर भी। जिमी गजदार ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया और उसने धोखे से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि जिससे कि मेरे म्यूजिक राइट्स भी चले गए, मेरे सारे गाने चले गए, मेरा बैंक बैलेंस फ्रीज हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा सकती, और अब घर भी यू नो बैंक वाले लेने आ जाते हैं, तो अब उसको निकलना पड़ता है यहाँ से। एंड लेट्स सी अब कहाँ लेके जाता है अपने परिवार। अमायरा और कुल्फी जन्माष्टमी की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जन्माष्टमी के दिन ही उनके साथ इतना बुरा होगा। अब अमायरा तो भाई बड़े नाजों से पली है, इस घर को वो छोड़ के कभी जाना नहीं चाहती है, तभी तो वो जोर जोर से रो रही है। और कुल्फी को जरा देखिए, बड़ी बहन होने का फर्ज कितनी बखूबी निभा रही है। कुल्फी अमायरा को एकदम प्यार से समझा रही है कि बड़ा घर जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम सब एक साथ रहेंगे। वही तो खासियत है कुल्फी कुमार बाजेवाला की, वो एक ऐसी चीज डाल देते हैं हर सीन में कि यू नो टच कर जाता है, है ना। तो भी बड़ा टचिंग सीन है एक्चुअली, ये जाना, घर छोड़ के जाना, और यू नो जन्माष्टमी का दिन है और बेटा नीचे करना, जन्माष्टमी का दिन है और बोले, 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 बोले। और कुल्फी गोपाल को लेके जाती है अपने साथ, गोविंदा गोपाल। अब सिकंदर और कुल्फी की यहीं से नई जिंदगी की शुरुआत होगी, क्योंकि अब वो जाएंगे चौल में रहने के लिए। अरे भाई, गरीब जो हो गए हैं। उधर लवली जेल में पहुंच गई है। अब सिकंदर के लिए तो हम वही कहेंगे कि सालों पहले उसने जैसी अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी गरीबी से, अब उसे दोबारा उसी जिंदगी के साथ अपनी नई शुरुआत करनी होगी। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।